सो बस इसके अपोजिट में है मिरेकल गार्डन। ये है पूरा एरिया बटरफ्लाई गार्डन और साइड में है मिरेकल गार्डन। मिरेकल गार्डन काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको 2-1 घंटे आराम से लग जाएंगे, तो आप एकदम कंफर्टेबल शूज़ पहन के आइए और सफिशेंट पानी ज़रूर साथ में कैरी कीजिए, क्योंकि यह पानी बहुत कॉस्टली है। छोटी बोतल जो बाहर 2 दिराम की, ऑलरेडी बाहर भी 2 दिराम है और यहाँ सेम बोतल 3-4 दिराम की है, तो बेटर है कि आप अपना सफिशेंट पानी कैरी कीजिए। अंदर खाने पीने वगैरह के साधन तो बहुत हैं लेकिन सब कॉस्टली हैं, तो मॉर्निंग में जब आप घर से निकलें या होटल से निकलें तो अच्छे से पेट भर के आइए और यहाँ आराम से घूमिए और घर जाके फिर से पेट पूजा कर लीजिए। स्पेशली कोविड के टाइम पे यहाँ कुछ ना खाएं। ये बस स्टॉप है, यहीं पे मेरे को 105 नंबर बस में उतारा था और वापस मैं यहीं से 105 नंबर की बस करके मॉल ऑफ मिरर्स जाने वाला हूँ। कैमरे की क्वालिटी और स्टेबलाइजेशन आप दोनों बताइए मेरे को कैसा है। आज मैं गिम्बल भी नहीं लाया हूँ ताकि इसका टेस्ट भी हो जाए। शुरू हो गया मेरा गार्डन, ये है मिरेकल गार्डन। इसका भी एंट्री फी 55 दिरहम है और कोई कॉम्बो नहीं है, आपको दोनों टिकट्स सेपरेट ही लेनी पड़ेंगी। ये हमने एंटर कर लिया मिरेकल गार्डन के अंदर, ये सिक्योरिटी गार्ड वाला भैया चेकिंग करके निकले आगे और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा फूलों से भरा हुआ। यहाँ अगर आप अगर अकेले हैं सोलो ट्रैवलर हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी सुविधा है। इन्होंने फोटोग्राफर यहाँ खड़ा किया हुआ है, हालांकि ये फ्री नहीं है, आपको इसका पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको फ़ोटो लेने वाला कोई बंदा अवेलेबल है यहाँ पे। धूप अभी भी बहुत तेज़ हो चुकी है और लेकिन ये खुशी की बात है कि यहाँ पे अभी कोई इतना रश नहीं है। देखिए पूरा कोई वेडिंग वेन्यू सा लग रहा हो। इतने बड़े गार्डन को मेंटेन करने में भी इनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी एम्प्लॉयज उन्होंने रख छोड़े हैं यहाँ पे। यहाँ तो मुझे फिलहाल को ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहे, ये पहले भी यहाँ मातरमा यहाँ हुआ करती थी, आज भी अपने किस्तू चला के बैठी हुई हैं। गजराज पहले भी नहा रहे थे, आज भी नहा रहे हैं। देखें आगे कुछ चेंज हुआ है क्या। फलाफल Welcome,
सो मैंने लिया है अभी 20 ग्राम्स का फलाफल या देखते हैं खा के कैसा है। देखिए पहले आप लोग इसकी है ये नया बनाया, ये पिछली बार नहीं था। तो फाइनली मैं दोनों गार्डन देख के आ गया और बस भी लगभग तैयार, अभी चालू हो जाए तो बैठते हैं अंदर।